जब बेवक्त डाउस नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। कोरोना वायरस ने वैसे तो पूरी दुनिया भर में कोहराम मचा के रखा हुआ है, लेकिन यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में अचानक से कोरोना के केसेस बढ़ गए। सरकार ने वहां पर फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया और यही हाल भारत के अलग अलग राज्यों में है, जहां फेस मास्क को पहनना अनिवार्य किया गया है। लेकिन मैं फेस मास्क के बारे में क्यों बात कर रही हूं? दरअसल पूरी दुनिया भर के अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट में फेस मास्क के ऊपर जब रिसर्च की गई तो सब में एक ही रिजल्ट पाया गया कि अगर कोरोना महामारी से बचना है तो फेस मास्क का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दुनिया के कोई भी देश हो, कोई भी नागरिक हो, इस वक्त उन्हें सिर्फ एक चीज की दरकार है और वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। हालांकि रूस ने ये दावा किया है कि उसने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत तक ऐसी वैक्सीन आते आते महीनों का वक्त लग सकता है। और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का ये कहना है कि भारत के कुछ राज्यों में कोरोना का पीक आने वाला है और ऐसे में हमारी प्रायोरिटी है खुद को बचाना। ड्यूक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की है लेजर के जरिए, जिसमें उसने बताया है कि फेस मास्क के जरिए अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखते हैं तो ये सबसे सुरक्षित तरीका होगा। कैसे, क्या कुछ कहा है इस रिसर्च में, आइए आपको बताते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने फेस मास्क की उपयोगिता जानने के लिए एक सस्ता लेजर एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें लेजर की किरणों के सामने अलग अलग तरीके के फेस मास्क को देखा गया कि मुंह से निकले ड्रॉपलेट्स मास्क से कैसे रुक रहे हैं या रुक भी रहे हैं या नहीं, कौन सा मास्क ड्रॉपलेट को रोकने में कामयाब है और किस तरह का मास्क मुंह से निकले ड्रॉपलेट्स को रोकने में कामयाब नहीं है। तीन अलग अलग तरह के मास्क पहनकर लेजर के सामने ले जाए गए। इसके साथ ही मुंह से किस तरह से ड्रॉपलेट बिना मास्क के निकलते हैं ये भी देखा गया। इस परीक्षण में कई चौंकाने वाले अध्ययन हुए। अध्ययन में शामिल रिसर्चर्स के मुताबिक ये रिसर्च केवल 7,500 रुपए में की गई। रिसर्चर्स के मुताबिक कोई भी साइंस में उत्सुक व्यक्ति फेस मास्क के इस एक्सपेरिमेंट को घर पर सस्ते में उपयोग कर सकता है। इसके लिए आपको अलग अलग तरह के मास्क, मोबाइल और किसी तरह का लेजर उपकरण चाहिए होगा। लेजर के जरिए मुंह से निकले किसी भी तरीके के ड्रॉपलेट्स को बारीकी से देखा जा सकता है। रिसर्च टीम का कहना है कि फेस मास्क को बनाने वाली कंपनी इस तरह के लेजर उपकरण का इस्तेमाल कर सकती है ताकि ये देखा जा सके कि कोरोना की रोकथाम के लिए कौन सा फेस मास्क लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इससे कंपनी के फेस मास्क की क्वालिटी में भी सुधार होगा। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन खतरनाक वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। ये तो आपको पता ही होगा कि बोलते समय हर सेकंड हमारे मुंह से छोटी छोटी हजारों बूंदें निकलती हैं, जिसे ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ये बूंदें किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की हुई तो उसके संपर्क में आने वाला स्वस्थ व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम रिसर्चर्स फेस मास्क पहनने की सलाह देते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि रिसर्च में कौन से फेस मास्क को लेकर क्या रिजल्ट आए, तो हम आपको बता देते हैं कि रिसर्च में पाया गया कि डॉक्टर्स जो तीन लेयर वाले सर्जिकल फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फेस मास्क ने लेजर टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कॉटन मास्क और बिना वाल वाले N95 मास्क ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही घर में बने तीन लेयर वाले मास्क भी रिसर्च में बेहतर रिजल्ट देने में कामयाब रहे। लेकिन चौंकाने वाले रिजल्ट ये नहीं है, बल्कि रुमाल और गले में पहने जाने वाले स्टोल को जो भी फेस मास्क के तौर पर प्रयोग करता है उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। उनको पहनना या ना पहनना बिल्कुल एक जैसा रहा। इसलिए अगर आप भी रुमाल या स्टोल को मास्क के रूप में पहनते हैं तो आप कोरोना वायरस के बेहद करीब हैं। हालांकि रिसर्च में ये नहीं बताया गया कि मास्क किस तरह से पहनना चाहिए, फेस मास्क और मुंह के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। आपको बताते चले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और भारत सरकार ने भी फेस मास्क को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक अगर आप बिना वाल वाला N95 मास्क नहीं भी पहनते हैं और घर पर ही कॉटन का तीन लेयर वाला मास्क पहनते हैं तो वो भी आपको कोरोना से बचा सकता है। आपको किसी से बात करते हुए घर से बाहर फेस मास्क लगाए रखना है जो आपके मुंह और नाक को ढक सके। तो आपको क्या करना है, आपको अपना ख्याल रखना है, WHO की गाइडलाइंस का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हाथ बार बार धोते रहना है और फेस मास्क जरूर लगाना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।